Dear students, in this module, we are going to talk about experiment as a research method. We know that human behavior is very complex and very difficult to understand. और हमें ये भी अंदाज़ा है कि इंसानी रवैये की जब हम बात करते हैं तो उसको लेबॉरेट्री के अंदर रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ ऐसे रवैये हैं जिनके ऊपर हमारे पास ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो कंटीन्यूसली उसको इफेक्ट कर रहे हैं या उसको कॉज कर रहे हैं तो इसमें जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं कैसे हम ये देख सकते हैं कि क्या वो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करके दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को कॉजल रिलेशनशिप के तौर पे इस्टेब्लिश किया जा सकता है या नहीं तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इसमें हमें हेल्प करता है सो मैन्यूपलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स टू टेस्ट द इफ़ेक्ट ऑन एन आउटकम वेरिएबल रेंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इसमें एक कंट्रोल ग्रुप बना सकते हैं दूसरा जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना सकते हैं Uh, जिसमें हमें ये देखना होता है कि कैसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहा है एंड कंट्रोलिंग ऑफ पोटेंशियल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स दैट कुड द आउटकम ऑफ अदर वेरिएबल्स क्योंकि नेचुरल सेटिंग के अंदर जो बिहेवियर अक्कर हो रहा होता है उसमें बहुत से वेरिएबल्स हो सकता है कि उस बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज हो रहे हो लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन या एक लिमिटेड स्पेसिफ़िक एनवायरमेंट के अंदर आप उसको बिहेवियर को रिक्रिएट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज के आपकी रिसर्च एथिक्स उसको अलाउ करती हैं जहाँ पे कुछ डेंजरसली अक्रिंग बिहेवियर हैं उनको तो हम डिप्लिकेट नहीं कर सकते लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन uh, को कुछ मखसूस रवैयों के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं देन मजरिंग द आउटकम वेरिएबल यूजिंग द क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव मैथड जो उस वेरिएबल uh, के इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो फाइंडिंग्स आएंगी उन फ़ाइंडिंग्स को देखा जा सकता है इंटरप्रेट किया जा सकता है अगर वो स्टेटिस्टिकल फॉर्म में हैं तो आप क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करेंगे और अगर वो कॉन्टेंट uh, की फॉर्म में है तो आप क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे जैसे बाक़ी मेथड्स की जो हैं वो लिमिटेशंस हैं इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड की भी लिमिटेशंस हैं इसमें हमें रिसर्च एथिक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है किसी भी ऐसे बिहेवियर को एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट experiment के तौर पर रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता जो ह्यूमन एथिक्स को वायलेट करता हो एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू टीचिंग मेथड इन अ पाकिस्तानी स्कूल मसलन हम ऐसा टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो रिलेटिवली अनकन्वेंशनल है तो हम देखेंगे कि क्या इसकी इफेक्टिवनेस कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड्स की नस्बत ज़्यादा है या कम है तो उसको हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मुख्तफ स्कूलों में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं दूसरे को कंट्रोल ग्रुप के तौर पर वो वाला वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए बगैर इस एक्सपेरिमेंटल मैथड को डिज़ाइन करके तो वहाँ से ये नतीजा आखज करने की कोशिश कर सकते हैं कि वेदर जो न्यूली इंट्रोड्यूस मैथड है ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है